अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां गत दिवस मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत से पूर्वा निबुहा में सड़क के किनारे एक युवक का शव देखा गया था, जिसकी पहचान सोभित शर्मा निवासी बहेरा के रूप में हुई थी। युवक के शरीर में गंभीर चोट के निशान थे। पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम कराया और मामले की जांच पड़ताल शुरू की, तो पुलिस ने जानकारी जुटाई कि घटना की जानकारी किसके द्वारा दी गई थी और पहले घटना स्थल पर पहुंचने वाला कौन था। जानकारी जुटाई जा रही थी तो पुलिस को सूचना मिली कि उसके दो साथी सुनील शर्मा और भूवर साथ में घर से निकले थे, जो नशे के शौकीन है। सोभित शर्मा का आपराधिक रिकॉर्ड भी था। पुलिस ने सुनील शर्मा नाम के युवक को पकड़कर पूछताछ किया तो पूरी घटना बयां कर दी है। उसने पुलिस को बताया कि नशा करने के बाद लौटते समय तीनों व्यक्तियों के बीच विवाद हुआ। इसी दौरान भूवर और सुनील ने मिलकर सोभित को मौत के घाट उतार दिया। मामले को छिपाने के लिए युवक के पैर पर बाइक चढ़ाई और सड़क के किनारे फेंक दिया और पुलिस को सूचना देकर फरार हो गए थे। पूरे मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल SP अनिल सोनकर ने बताया कि फरार आरोपी की तलाश के लिए टीमें लगाई गई हैं। सीपुरवा निबुआ के पास में एक व्यक्ति की लाश मिली थी, बाद में वो पहचानी गई। सोमित शर्मा ग्राम बहरा का शव था। बच्चे की उम्र जो है लगभग 22 वर्ष थी। इसका जब पुलिस को सूचना मिली, उसके बाद जब मर कायम करके तहकीकात की गई, तो ये पता चला कि वक्त घटना इसके दो साथी और थे, जो एक बाइक पे थे, TVS बाइक पे, सुनील शर्मा और भुवन तिवारी, ये दोनों उसके साथ में थे और तीनों मोटरसाइकिल बाइक से चल रहे थे। जो मृतक है उसका आपराधिक रिकॉर्ड है और तीनों जो है नशे में थे और आपस में बात विवाद कर लिए। इसी बात को लेकर के गाड़ी रोक कर भुवन और अनिल दोनों मिलकर के उसको मृतक को सोभित शर्मा को मारपीट किए और उसके ऊपर गाड़ी भी चढ़ा दिए, मोटरसाइकिल, और उसको दुर्घटना का रूप देने के लिए उन्होंने फ़ोन भी किया और मौके से भाग गए। पुलिस जब पहुंची और पड़ताल चालू की तो ये सब चीज़ें सामने आई कि किसने सूचना दी थी, कब कौन सामने पहले आया था, घटना स्थल को देखा था। इसी सूत्रों से मिलकर के जानकारी हुई। अभी भुवन जो है भूवर वो फरार है, जिसकी पुलिस टीम गई है उसको पकड़ने के लिए, और अनिल सर पुलिस की अभिरक्षा में है, जिससे पूछताछ की जा रही थी और कार्रवाई की गई है। अभी वो विवेचना का विषय है, चल रहा है। तीनों की जो है आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में तलाश की जा रही है,